वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका एक एक्सरसाइज है, उसको सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको 9.6 एक्सरसाइज है, तो उसको अगर आपको सोल्व करना है तो उसके लिए आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही आ रहा हो, ठीक है। ज़्यादातर ये इस रूप में लिखा होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और उसके साथ एक फंक्शन वाई होगा, और उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा पी, ठीक है। अब ये एक्स के टर्म वाला कॉन्स्टेंट हो सकता है, यानी एक्स के टर्म का कोफिशियंट हो सकता है, या सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, और ऐसे ही फिर ये क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू जो हैं ये आपके कांस्टेंट या कोई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है। तो एक बार ऐसे इस एक तो इस रूप में होगा, नहीं तो इसका एक दूसरा भी हो सकता है कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी, फिर यहाँ एक्स मिलेगा बराबर क्यू। तो यानी ये रूप हो सकता है या ये रूप हो सकता है, ठीक है। इस दोनों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला बताता हूँ कि पहला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी पहचान है वो यू मिलेगा आपको, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी वाई। अगर डी वाई ओवर डी एक्स है तो यहाँ, अगर ऊपर वाई है तो यहाँ ऊपर वाई मिलेगा, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई प्लस में मल्टीप्लाई में कुछ, मतलब वाई के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, उसे हम पी बोलेंगे। पी एक कांस्टेंट या फंक्शन हो सकता है, और बराबर लिखा होगा, और फिर एक क्यू, क्यू भी एक कांस्टेंट या फंक्शन हो सकता है, या तो फिर ये मिलेगा या डी एक्स ओवर डी वाई मिलेगा। ऊपर एक्स है तो यहाँ पे आपको एक्स मिलेगा, और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो पी, और फिर ये क्यू, ठीक है। तो यहाँ बताया हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे यानी वेयर पी एंड क्यू आर, जहाँ पे पी और क्यू जो है वो कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर यहाँ y दिया है तो जो p और q होंगे वो कांस्टेंट या फंक्शन होंगे, अगर वो फंक्शन हुआ तो x वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। और लिखा है कि ऐसा अगर आ गया तो फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? तो पहले तो आपको p और q इसमें से छाँटना होगा, p और q छाँटने के बाद फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। उसको निकालने के लिए ऐसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने सुना होगा ex, तो e और यानी e यानी एक्सपोनेंशियल और उसकी जो पावर x लिखते थे उस पावर की जगह आपको इंटीग्रेशन लेना होगा इस p वाले फंक्शन का, p dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, इसका जो भी मान आएगा वो कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आपको सोल्यूशन निकालना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सोल्यूशन निकालने के लिए आप ना y को मल्टीप्लाई कर दोगे ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इससे, और फिर जो क्यू फंक्शन या कॉन्स्टेंट उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस सी। तो ये आपका आंसर जो भी आएगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड होता है इतना, ठीक है, जो हमारा फंक्शन जो है इस रूप में होता है, ठीक है। अगर फंक्शन इस रूप में आया तो उनके स्टेप यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ अभी। अगर ये कम समझ में आएगा तो चिंता नहीं करना, अभी एक जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। अगर यहाँ पे x है ऊपर तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ ऊपर y था तो यहाँ पे y मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आया तो क्या करना है? तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन वाई प्लस क्यू वन, ऊपर वाले से ही कंपेयर करना है, मतलब तो पी वन और क्यू वन मिल जाएगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट होंगे या फंक्शन वाई होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर x है तो यहाँ पे गलत छप गया है, ऊपर यहाँ x है तो यहाँ पे आपको x मिलेगा, ठीक है। और जो p और q होंगे वो फंक्शन होंगे y के टर्म में। फिर आपको क्या करना होगा कि p और q यानी p1 q1 छाटने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर if बोलते हैं, i डॉट f, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखने का शॉर्ट ट्रिक है ये। इसको फिर आप ऐसे निकालोगे कि e के पावर आप इंटीग्रेशन निकालोगे p1 को dy के फॉर्म में, फिर वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करोगे, तो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर dy के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन और प्लस सी। तो ये सोल्व करने पे जो भी आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब नीचे क्वेश्चन है हमारे पास,
तो ये जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया है हमने, ताकि जो आपके जो समझ में आए, ठीक है, तो इसको हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको अगर आप ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना चाहते हो, तो आपको आपको पहले जो डी वाई ओवर डी एक्स है, ये आपको मतलब सेपरेट करना होगा। हमें केवल यही चाहिए, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है आप उसको डिवाइड कर दो उसी से, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर तो ये एक्स मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अब, तो आपको डिवाइड करना होगा। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड डिवाइड कर दोगे बाय एक्स, तो यानी एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका एक्स से सॉरी एक्स से डिवाइड कर दोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। डिवाइड करने पे 2/x और वाई आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर के बटे में 2 लगाने से सिर्फ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको डिवाइड दोगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, इसको डिवाइड दोगे तो 2y अपॉन में एक्स लिखोगे, तो क्योंकि मुझे कंपेयर करना है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, तो इसलिए मैं इसको वाई को थोड़ा सा अलग लिख दूंगा, ध्यान रहे, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी बच गया वो आपका क्यू हो गया। तो बोला गया था कि पी और क्यू निकालना पड़ेगा, तो लिख देंगे हेयर, तो पी, तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग, ठीक है, पहले हम लिख देंगे कंपेयरिंग विद, हम लिख देंगे कंपेयरिंग विद दिस, इससे हम कंपेयर करेंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स से प्लस पी वाई प्लस क्यू से कंपेयर करेंगे, तो वी गेट, हमें मिल जाएगा एक पी की वैल्यू मिल जाएगा आपको, तो पी की वैल्यू आपको दिख रहा है 2/x, और एक क्यू की वैल्यू मिल जाएगा एक्स, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आने के बाद फिर आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा, वो निकालते हैं ई, और ई की पावर कर देते हैं इंटीग्रेशन पी वाई के टर्म में, ठीक है, सॉरी एक्स के टर्म में, क्योंकि पी जो है वो एक्स के टर्म में फंक्शन होता है, याद रहे, क्योंकि जब ये ऊपर y लिखा है और ये y लिखा है, तो p और q जो होगा वो x के टर्म में आपको फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो x के टर्म में आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप e, अब e की पावर लिख दोगे p, p का मान है 2/x, तो 2 कांस्टेंट है बाहर लेके 1/x dx, एक्स सोल्व करने पे आ जाएगा e की पावर 2, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अभी जो 2 होता है पावर चढ़ जाता है, आपने पढ़ा होगा इसे कि लोग एक्स का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 2 को पावर आगे उतारेंगे 2 लोग एक्स लिख सकते हैं, तो ऐसे ही जो 2 था ये पावर चढ़ा देंगे तो ई लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ई लोग साथ होने पे ही कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो याद रहे ई के पावर अगर लोग एक्स कुछ हो तो ई लोग कट जाते हैं, सिर्फ एक्स आ जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया एक्स का स्क्वायर। तो फिर आपको यहाँ पे नाउ, ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो जो भी आपको इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा, तो फॉर्मूला लगाना है आपको, वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आपको भी फॉर्मूला बताया गया था कि क्यू को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करना है, और प्लस सी, ठीक है। तो इतना आपको फॉर्मूला याद करने के बाद अब लगा देना है, तो वाई इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आया था, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे क्यू, क्यू की वैल्यू आपने एक्स निकाली थी, तो यहाँ पे लिखो एक्स मल्टीप्लाई आई एफ, आई एफ आया था एक्स स्क्वायर, और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करोगे तो 2 और 1 जुड़ के पावर 3 डी एक्स प्लस सी, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर, इसकी पावर 1 जुड़ जाएगा तो 4/4 प्लस सी, तो एक्स की पावर 3 जुड़ेंगे तो 3 और 1 4/4, तो एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप वाई को अकेला लाना चाहते हो, तो ये वैसे आंसर आ गया है, तो इतना भी अगर कोई बच्चा इसको सोल्व करके आएगा ना एग्जाम में, तो उसको पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। बस अगर एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो उसके लिए आपको इसको वाई बनाना होगा, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड में भेज दो, तो वाई बराबर ये एक्स स्क्वायर इनके डिवाइड में आ जाएगा दोनों के, तो एक्स की पावर 4/4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और सी के भी डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 4/4, और ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सी की मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर जाएगा एक्स की पावर -2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, तो लिख देंगे दिस इज द
दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने पूरा बात किया। ठीक है, तो एक एक तो हमने भी इसी टाइप पे बात किया है। ठीक है, तो केवल इसी पे अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो भी यही प्रोसेस है, बस आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो आपको y के टर्म में इंटीग्रेशन करना होगा, और फिर यहाँ पे जो y लिखते थे वहाँ x आ जाएगा, और जहाँ dx लिखते थे वहाँ dy आ जाएगा, बस फिर बाकी सारा सेम ही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, और उसके अंदर हम किसी में इसका दूसरे मेथड का भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए कि वो भी समझे, और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। ठीक है, ताकि उनका भी एग्ज़ाम में ये सब छूटे ना। ठीक है।